हेलो भाई, मैं विवेक गुप्ता। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं। ये अपनी आरवी 400, बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही हैं उसका। मैं अभी आपको बता रहा हूँ रीज़न, मतलब बहुत ही सिंपल है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है और बहुत सारे फीचर लेस हैं, मतलब फीचर्स है ही नहीं। अच्छा, इतना बेकार मौसम इस समय हो रहा है, फॉग आ रही है तगड़े तगड़े। अब इसमें एक फ़ीचर इसमें मिसिंग है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये फ़ीचर अपने एक्सट्रीम से जहाँ तक आना स्टार्ट हुआ था वो है अपना भाई हैज़र्ड लाइट। हैज़र्ड लाइट का यार बहुत अच्छा यूज़ होता है, जिसकी कि आप जानते हैं इसकी LED लाइट है, बहुत ही तगड़ी लाइट है, बेशक एक नंबर लाइट है, लेकिन फॉग में बेकाम की हो जाती है। और जब हैज़र्ड लाइट जलते हैं ना तो बहुत ही सही रहता है इन फॉग में, फॉग में बहुत ही सही काम रहता है। और एक आता है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि हम कर नहीं सकते, लेकिन हैज़र्ड लाइट का आज कुछ ना कुछ हम दिखाएंगे कि मतलब क्या हो सकता है हैज़र्ड लाइट का, पूरा हम करेंगे। अच्छा, हैज़र्ड लाइट इंस्टॉलेशन कराना बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कमी आती है वो आती है आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, वारंटी वाइड हो जाती है। तो हम इस प्रोसेस से कराएंगे कि आपकी वारंटी भी ना ख़त्म हो और हैज़र्ड लाइट इंस्टॉलेशन अच्छे से हो जाए। अच्छा, हैज़र्ड लाइट अब हम लोग इंस्टॉल कराएंगे तो वो तो नॉर्मली फीचर हो गया, लेकिन इसमें मॉड क्या रहेगा, मतलब मॉडिफिकेशन क्या रहेगा, अब हम उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके लगाएंगे, मतलब कुछ और अलग सा ट्विस्ट करके लगवाएंगे हैज़र्ड लाइट, वो थोड़ा मॉडिफिकेशन टाइप में आ जाता है। अब मैं आपको ये ओपन करके, हाँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे स्विच वैसे है ये, तो ये स्विचेस लगेंगे और मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आप इसके लिए मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, किसी भी लोकल बाइक के शॉप पे जाएंगे तो वो कर देगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा उतना टफ नहीं है और बहुत ही मस्त लुक निकल के आएगा। मतलब इतनी अच्छी गाड़ी है, हैज़र्ड लाइट चारों जलते हैं एक साथ ना, बहुत ही गजब का लुक निकल के आता है। तो चलते हैं एक बाइक शॉप पे। अच्छा, ये सब करते ना आप किसी दुकानदार को अच्छे से जानते हो वहाँ पर करवाइएगा, क्योंकि ऐसे ही किसी के यहाँ जाएंगे वो नहीं करेगा। तो चलते हैं एक शॉप पे और देखते हैं, बाकी कुछ दिन बाद क्रूज़ कंट्रोल का भी कराएंगे। अच्छा, अब जो मेन बात रहेगा, मैंने बताया था आप लोग को कि एक्सल इसका मॉडिफिकेशन वाला सीरीज़ आने वाला है, वो पॉज क्यों हुआ, डिले क्यों हुआ, उसका रीज़न ये कि मेरा यार बोर्ड्स का एग्ज़ाम आ रहा है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेते और कुछ दो तीन प्रॉब्लम्स हो रहे उसको भी सॉर्ट आउट कर लेते, फिर एक्सल इसके भी बहुत ही तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन सीरीज़ आने वाली है। मतलब आप सोच नहीं सकते कैसा होगा, पूरा उसका पूरा बन चुका है, मतलब उसका पूरा जो बनता है, मतलब फोटो तो पूरा बन चुका है उस तरह करवाने का गाड़ी, बस बहुत जल्दी शुरू होगा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद में उसको भी शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये छोटा सा काम है, इस पर पहले चलते हैं और दिखाते हैं। अभी भाई अपना सब कुछ सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है, हैज़र्ड लाइट का भी देखो चारों जल रहा है ना, ये हैज़र्ड लाइट हो गई। अच्छा, फर्स्ट जो रहा है वो ये है कि हमको इसको चारों जलाने के साथ आवाज़ नहीं चाहिए और दोनों जलाने भी चाहिए, तो उसी का प्रोसेस चल रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या। अभी भाई अपना इंस्टॉलेशन हो चुका है कम्प्लीट, अब मैं दिखाता हूँ फाइनल लुक, क्या क्या इसमें फीचर्स एड ऑन हुए हैं वो फटाक से एक क्विक ओवरव्यू पहले मैं आपको देने से पहले एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, तो आप एंजॉय करिए तक सिनेमैटिक शॉट। अभी भाई जहाँ इस मौसम में उंगलियाँ नहीं काम करती वहाँ पर ये बहुत सही चीज़ है, मतलब कि हैज़र्ड लाइट बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और बहुत सी नेसेसिटी चीज़ है, हर गाड़ी में हर बाइक में चीज़ देना चाहिए, क्योंकि जब LED लाइट्स दे देते हैं तो ये मतलब सामने से विजिबिलिटी नहीं रहती और कोई जान नहीं पड़ता कि कोई गाड़ी आती है कि नहीं, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और इसकी वजह से थोड़ा ब्लिंक करते हैं ना तो जान पाते हैं कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है भाई, इस साइड से निकाल लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। अभी देखो पीछे से कितनी मस्त लग रही है, कितनी मस्त लग रही है हैज़र्ड लाइट, ये हो गया। प्लस इसके फीचर्स क्या क्या, अभी देखो मैं आपको पूरा गिनवाता हूँ। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, अभी इसको मैं अगर ऑफ कर लूँगा, ये ऑफ, उस साइड का इंडिकेटर जल रहा है और जल रहा है, ठीक है ये मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको ऑन कर दूँगा तो ये दो चारों एक साथ जल रहे हैं, चारों एक साथ, मतलब इसका तरीका क्या है, नॉर्मली आप ऑफ कर दीजिए, ये बटन ऑन होना चाहिए और किधर का भी आप जला दीजिए, चाहे इधर का चाहे इधर का, चारों इंडिकेटर जलने लगेंगे और इसको ऑफ कर देंगे तो उस साइड का जलने लगेगा। अब ये हो गया पहला अपना फीचर या पहला मॉडिफिकेशन जिसमें चारों इंडिकेटर अपना चारों हैज़र्ड लाइट हो गया है ऑन। अब इसमें इसका मैं सेकंड चीज़ दिखाता हूँ, इसमें मैंने और भी बहुत चीज़ कराया है वो मैं दिखाता हूँ, तो वो क्या है, तो वो यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो स्विचेस और हैं। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए ये इधर का सायरन जल रहा है और उधर का करूँगा सायरन अभी नहीं बज रहा है, क्योंकि ये सायरन का मतलब अपना जो बीप होता है, जो बीप साउंड होता है उसको ऑन करने का है। अब मैं इधर का ये ऑन कर दिया तो दोनों साइड का बीप ऑन हो गया, मैं चाहे इधर को रोकूंगा बीप भी देगा, ये इसके लिए है मेन। अब इसका मुझे एक और एडवांटेज लगा है जो कि मतलब इस बाइक में देना चाहिए था कंपनी को शुरुआत से ही, इसके की में ये फीचर देना चाहिए था। अब भाई देखो जैसे कि इसको मैं पहले कर देता हूँ, पहले जैसा
जैसे कि हम लोग को मतलब कहीं इस इलाके से निकलना हो जहाँ पर एकदम शांति रहे और गाड़ी लॉक करनी हो या फिर स्टार्ट करनी हो आवाज़ ना करे, तो वो इसमें बहुत अच्छा चीज़ हो गया है इसको लगवाने के बाद, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया है ये फीचर, कंपनी ने ही दिया है ये, हम लोग का डिस्कवर करा हुआ फीचर है, आप लोग भी इंस्टॉल करा सकते हैं। अभी देखो लॉक करने पे कोई आवाज़ नहीं आई, लॉक करने पे, अनलॉक करने पे कोई आवाज़ नहीं। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ मतलब इसका जो बीप है तो ये आवाज़ करता है। तो मैं अपने सुविधा के अनुसार, मतलब अगर मुझे कोई ऐसे जगह से निकलना है जहाँ पर आवाज़ ना हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह लॉक अनलॉक कर सकता हूँ वहाँ से बटन को करके। तो एक और मेरा इससे फ़ायदा हुआ। और बाकी ये चारों इंडिकेटर तो बेस्ट हैं ही। अब इसके कनेक्शंस मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या है। ये चीज़ आपको अगर मैं दिन में दिखाऊँ ना तो थोड़ा और अच्छा विजिबिलिटी मिलेगा और पूरा और अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए मैं इसको आपको कल यानी कि सुबह में आपको मैं दिखाऊँगा इसके अंदर का वायरिंग सेटअप क्या है, कोई टायर कट हुआ है कि नहीं, ये सब दिखाऊँगा कल। तो अब चलो कल ही डायरेक्ट दिखाते हैं, तो बस मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी भाई ये है अपना डे लुक। अब मैं आपको डे में बताता हूँ कि क्या क्या वायरिंग किस किस करतब के साथ हुई है। वो चीज़ देखो, सबसे पहला एक बटन जो अपना लगा हुआ है चारों इंडिकेटर जलाने के लिए, इधर वाला ये इधर हैजार्ड लाइट चारों मतलब इन यूज़ में लाने के लिए, वो बताएं क्या करा गया है। जैसे कि ये एक इंडिकेटर का पूरा वायर हो गया, एक ये एक का हो गया, ठीक है। तो एक इसमें से ले जाके वायर एक इसमें से लगा के बटन को ऐड ऑन किया गया है, इससे एक जल गया, ठीक। ये एक पहला कनेक्शन हो गया आपका, चारों इंडिकेटर एक साथ वर्क करेगा। अब ये वर्क हो गया, इसके बाद में आपका जैसे कि इसमें आवाज़ आने लगता है। आवाज़ बंद करने के लिए ना बहुत ही तगड़ा सिस्टम सेटिंग किया गया है। अच्छा, अब इसमें ये जो कपलर है इसी कपलर में लगाया गया वायर, तो इससे हमारा वायर कट नहीं हुआ और कोई भी वारंटी वाइड नहीं हुई है। अब जो दूसरा हो गया उसमें मुझे वायर कट करवाना पड़ा, लेकिन इस तरीके से कराएं कि वारंटी वाइड नहीं होगी। अब ये जो बजर है, ये जो बजर है ये इधर बहुत अंदर है यार, ये जो बजर है मैं एक का करके दिखाऊंगा। इस बजर का हम लोग ने एक वायर कट किया है, इन केस हमको वारंटी क्लेम कभी करना हुआ तो ये बजर हम नया लगवा देंगे, अपना फिर से वही सब कुछ हो जाएगा। मेन वायर के साथ कोई छेड़खानी हमने नहीं किया है। तो इस वायर से एक वायर कट करके और एक नया वायर जोड़ के यहाँ पर बटन लगाए हैं, तो इससे हम लोग का बजर वर्क कर रहा है। ये ऑन कर दूंगा, ये देखो बजने लगा, नहीं बज रहा। तो वही बहुत सिंपल फंडा है, बस यही है सब कुछ। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं और आपका भी सब कुछ सेट हो जाएगा, ऑल सेट सब कुछ हो जाएगा। बस यही था एक छोटा सा ट्रिक, आप लोग भी इन यूज़ में ला सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये इस साल का अपना आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद आपको इस सब कोई भी वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली यार न्यू ईयर आ रहा है, अगले साल से नई नई वीडियोस, नए नए टेक्निक, नए नए मतलब कंटेंट पे आएगा। बहुत एक्साइटिंग एक्साइटिंग कंटेंट आने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो तब तक के लिए यार कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन को ऑल पे कर लो सेट, क्योंकि हमेशा आप लोग करते ही हो। तो बस आज के वीडियो में नहीं, आशा करता हूँ सुबह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।